दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और प्लेटफॉर्म पे काफी देर वेट करना पड़ता है, तो उस खाली टाइम में क्या करें जब आपकी ट्रेन लेट है या फिर अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है? तो ऐसे टाइम में आप फ्री में वाईफाई यूज करके कुछ वेब सर्फिंग, यूट्यूब, ये सब एंजॉय कर सकते हैं। आप कहेंगे कि फ्री में वाईफाई आएगा कहाँ से? तो जो फ्री में वाईफाई आएगा वो आएगा रेल वायर का वाईफाई, जो रेलवे स्टेशन पे, सारे रेलवे स्टेशन पे होता ही है। तो ये वाईफाई आपको यूज कैसे करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही आप अपने नोटिफिकेशन पैनल पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर वाईफाई टॉगल को ऑन करेंगे तो आपको इस तरह से रेल वायर वाईफाई आपको वहां पर मिल जाएगा। तो उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, ये इस तरह से पेज ओपन होगा। और इसमें आपको ये सबसे पहले तो ये COVID-19 का जो एडवर्टीजमेंट है ये मिलेगा, क्योंकि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, तो ये COVID-19 का एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। थोड़ी देर रहता है स्क्रीन पे, आपको वेट करना है 5 से 10 सेकंड तक, जब तक कि ये COVID-19 वाला जो एडवर्टीजमेंट है ये चला ना जाए। COVID-19 वाला जो एडवर्टीजमेंट है वो चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा ये इस तरह से, जो रेल वायर लिखा था उसके नीचे ही खाली जगह हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर करने के लिए कहेगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद OTP आएगा, आपको आपकी मैसेज के तौर पे OTP मिल जाएगा। OTP मिलने के बाद आपको वहाँ OTP को टाइप करना है, एंटर करना है और आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपका जो फोन है वो रेल वायर वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और आप वेब सर्फिंग कुछ भी कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज स्टार्ट ब्राउजिंग। तो इस तरह से आप उसको ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आती है। तो इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो हम इसको स्पीड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में स्पीड कितनी आ रही है। तो आप देख सकते हैं जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो करीब करीब आ जाती है 9 MBPS के आसपास, और जो अपलोडिंग स्पीड है, अपलोडिंग स्पीड है वो आती करीब 2 MBPS के आसपास। तो खाली टाइम में बैठे हैं आप, तो ये फ्री में वाईफाई आप यूज़ कर सकते हैं। ये 30 मिनट्स तक रहता है, 30 मिनट्स तक आप फ्री में वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। मूवी डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड कीजिए और ट्रेन में बैठ के आराम से उनको एन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।